जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के हेयर कटिंग के दौरान महिला के बालों पर थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित महिला ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। बताएं कि बागपत में बड़ौत शहर स्थित मधुबन कॉलोनी में रहने वाले पूजा गुप्ता वंशिका ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और पूजा को 3 जनवरी को मुजफ्फरनगर शहर के एक सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। पीड़िता के अनुसार वो बड़ौत थाना इस मामले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने गई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें जावेद हबीब के द्वारा थूका गया था महिला के सिर में और बेहद ही शर्मनाक ये वीडियो। और वायरल होने के बाद जब शिकायत करने के लिए महिला पहुंची तो उसका केस तक दर्ज नहीं होता है। पीड़ित महिला ने अब सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। बालों की कटिंग करने के लिए अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपके पास पानी नहीं है तो उन्होंने थूक दिया और थूक के भी तुम काम चला सकते हो और मेरे थूक में दम है। अपने पार्लर में बैठ के वीडियो बनाई अपनी और ये वीडियो अपलोड की है कि ये जावेद हबीब सर का असली चेहरा है, देखिए वो सेमिनार में ये टेक्निक सिखाते हैं। तो आज एक सेमिनार हुआ है, शायद और सेमिनार में भी ऐसी बातें हुई हों। इतनी बड़ी हस्ती है, शायद किसी ने आवाज़ ना उठाई हो। यही कारण है, मैं ये चाहती हूँ सभी से, मेरी एक ही अपील है कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। तो वहीं इस मामले में माफी मांगते हुए जावेद हबीब का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है, मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, और ये हमारे लंबे शो होते हैं, और मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा सा ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी दिल से। नीरज जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, जावेद हबीब को भी हम सुन रहे थे सॉरी बोलते हुए नजर आए हैं वो, लेकिन एक तरह का एहसान करते हुए वो माफी मांगते नजर आए। उन्होंने कहा ये प्रोफेशनल तरीका है। क्या प्रोफेशनल तरीके के अनुसार थूक कर एक महिला के सिर में काम होता है? आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पूरे मामले पर? दरअसल मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हिंदू संगठनों में इस बात को लेकर के भारी रोष है, क्योंकि हबीब पहले से ही लगा कई बार ऐसे कारनामे कर चुके हैं जिनसे वो सुर्खियों में रहे हैं और लोगों की भावनाओं को उन्होंने आहत किया है। आज भी यहाँ की अगर बात करते हैं, कल देर रात मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना में 355 व 504 और कोविड अधिनियम की जो धाराएं हैं उनमें संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसके बाद अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जी, पीड़िता ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। बड़ा सवाल यह भी है कि पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही थी? नहीं, पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने स्पष्ट रूप से कल कहा था, कल बातचीत के दौरान पुलिस ने कहा था कि अभी तक हमको कोई एप्लीकेशन या तहरीर नहीं दी गई है। कल शाम पीड़िता ने तहरीर दी और उसके बाद पुलिस का कहना है कि तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी, इसके साथ ही जावेद हबीब जिसने इस तरह का बयान दिया है, तो क्या ऐसे पार्लर्स पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का प्रोफेशनलिज्म अपनाते हैं? बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों ने बातचीत में कहा है कि भविष्य में ऐसी चीजों को ध्यान रखा जाएगा और ऐसे जो सेमिनार जो लोग करते हैं उन सेमिनार को भी परमिशन जो दी जाएगी वो देखभाल करके दी जाएगी। ऐसे ही क्योंकि ये महिला से जुड़ा हुआ मामला था और लगातार यहाँ माहौल भी खराब था, कल पूरा दिन यहाँ हिंदू संगठनों बिल्कुल क्योंकि पहले भी देवी देवताओं को लेकर हिंदू के अभद्र टिप्पणी जावेद हबीब के द्वारा की गई थी, ये कोई पहला मामला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है बेहद ही शर्मनाक है।